सर आप भी यहीं रहते हैं, आपका नाम क्या? मोहम्मद अदनान। आप भी एग्री करते हैं इनसे? बिल्कुल एग्री करता हूँ। मोदी जी अपने मुंह से अगर कह देंगे कि हिंदुस्तान के मुस्लिम और हिंदुस्तान के हिंदू जितने भी हमारे भाई लोग हैं सब एक है और मिलजुल कर रहते हैं, अगर वो अपने मुंह से कह देंगे तो वैसे ही सारा माहौल सुधर जाएगा। बाकी जातिवादी वगैरह तो बहुत अभी उदयपुर में ही बहुत चलने लग गया है। और पहले नहीं था ये? पहले बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो कल आए थे मोदी जी शहर में, ठीक है, तो आप गए थे सुनने? नहीं मैं नहीं गया था। क्या कह रहे हैं? हम ना कभी उनको सुनने गए ना ही कभी जाएंगे उनको सुनने। ठीक है, वैसे और मोदी ने काफ़ी प्रतीकों का जिक्र किया जो मेवाड़ और उदयपुर शहर से जुड़े हुए हैं। महाराणा प्रताप का उन्होंने नाम लिया, भीलू राणा का उन्होंने नाम लिया, और वो बात कर रहे थे कि पहली सर्जिकल स्ट्राइक या पूर्व में सर्जिकल स्ट्राइक इन दो प्रतीकों ने भी की है। एक शांति वाला माहौल है। वैसे ये सजेशन मुझे ठीक लगा कि पीएम आपने मुझसे कह दें, आपको ऐसा लगता है कि अगर वो एक बार अगर बोल देते हैं तो ठीक हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि सत्ता तो उनके हाथ में, उनके कहने से सब कुछ चल रहा है। हम यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे हमारे जितने भी सब भाई लोग हैं, सब हिंदू वगैरह जितने भी, हम बहुत सबको जानते नहीं हैं, लेकिन हम यहाँ बैठते हैं तो एक दूसरे को ऐसे जानने लग गए कि मतलब हाँ ये भाई हैं। लेकिन आजकल मतलब मेंटालिटी ऐसी कर दी है अपने ये वाली सरकार ने कि जिसको देखो मतलब ऐसी निगाहों से देखता है कि मुस्लिम है तो मतलब के आतंकवादी होगा। अगर पीएम अपने मुंह से कह दे कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर मुस्लिम अपने देश का नागरिक है, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं, वो मुर्दाबाद ही है, हमें कोई, हम यहाँ रहते हैं, हम यहाँ के, तो हिंदुस्तान जिंदाबाद है। और किसी को मुर्दाबाद कहना भी क्यों भाई, वो अपने आबाद रहे, हम भी अपने आबाद, बस हाँ यही, किसी का मुर्दाबाद जरूरी नहीं होता। तो लेकिन मतलब ये है कि जैसे कि मतलब ये है कि मतलब कहते हैं ना कि ये मुस्लिम है तो हम पाकिस्तानी हैं, क्यों हम तो पूरा। आपके साथ कभी मतलब इस तरह का वाकया हुआ? अरे हमारी शक्लें देख के हमें सिगरेट नहीं देते हैं यार गल्ले पे कि ये मुस्लिम है, ऐसे वाकये हुए परसों। कहाँ से ले रहे थे? वैसे सिगरेट का प्रचार हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर नहीं नहीं ठीक बात है। मैं कह रहा था कि और कहाँ कौन से चौराहे की बात है ये? उदयपुर चौराहे की, उदयपुर की बात है ना। तो आप और कितने बजे की बात है? रात को कितने बजे? एक बजे की बात। हर इंसान यह चाहता है सर के धर्म की राजनीति नहीं हो, सबको रोजगार मिले और सबका भविष्य सुधरे। आज यहाँ पर जितने हो रहा है बच्चे पढ़े लिखे हैं, कॉलोनी में जाकर देखो कुछ काम ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, सब पूरा उदयपुर खोद रखा है इन्होंने, कुछ काम ही नहीं है यहाँ पे। वैसे मुझे बता क्या कि खुदाई तो सीवेज लाइन के लिए मेरे ख्याल हो रही है, और वो तो खुदाई हो जाती है, रोड बनती खुदाई हो जाती है। भूल जाते हैं क्या लोग के यहाँ सीवरेज का काम बाकी रह गया, पहले ही कर लो ना। खबरों में भी आ गया है पहले आओ पहले पाओ ऑफर, दी लल्लन टॉप ऐप एंड्रॉइड पर है ना, तो न्यूज का ख्याल करो सबसे पहले इंस्टॉल करो।